विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण तिसरा अभंग अभ्यासूया। न मागता आभारी आपे आप होतो, भाविकाशी देतो भुक्ती मुक्ती। या अभंगामध्ये संत चोखामेळा असे सांगतात की जो भक्त आपल्या परमेश्वराची खऱ्या श्रद्धेने भक्ती करतो, त्या भक्ताने जरी आपल्या परमेश्वराकडे काहीही न मागितले तरी परमेश्वर हा एवढा प्रेमळ व कृपाळू आहे की तो आपल्या भक्ताला सर्व काही देतो। तो आपल्या भक्तांना जगण्याचे श्रेय देतो, जगण्याचे श्रेय शिकवतो। म्हणजे त्याच्या जीवनामध्ये काही संकट आल्यास तर त्याचे तो निवारण करतो, तसेच त्याने जीवन कसे जगावे याचा त्याला मार्ग दाखवतो, तसेच मृत्यूनंतर आपल्या भक्तांना तो मोक्ष देतो, म्हणजे सर्व पापांना क्षमा करून त्याला स्वर्गात दाखल करतो। मेरे अजीज तुलबा और तालिबान, इस अभंग में संत चोखामेळा ये कहते हैं कि जो बंदा अपने रब की सच्चे दिल से इबादत करता है, वो बंदा अपनी जुबान से चाहे उसके पास कुछ मांगे या ना मांगे, तब भी मेरा रब इतना रहम दिल है, इतनी मोहब्बत करने वाला है कि वो अपने बंदे की हर ख्वाहिशात को, हर जरूरतों को पूरा करता है, उसे जिंदगी जीने का ढंग, जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है और उसकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करता है और इंतकाल के बाद भी उसके तमाम गुनाहों को माफ करके उसकी मगफिरत करता है और उसे जन्नत में दाखिल करता है। विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण शेवटचा अभंग अभ्यासूया। चोका मने ऐसा लागवी श्री हरी, भव भय वारी दरुशनी। शेवटच्या या अभंगामध्ये संत चोखामेळा सांगतात की परमेश्वर हा एवढा प्रेमळ व कृपाळू आहे की फक्त त्याच्या दर्शनाने या संसाराच्या भीतीचे निवारण होते आणि हा संसार रूपी सागर पार होतो। विद्यार्थी मित्रांनो, या संसारात परमेश्वराने आपल्याला ठराविक काळासाठी परीक्षेरूपी जीवन दिले आहे आणि आपल्याला हे परीक्षेरूपी जीवन जगून त्याच्या इच्छेनुसार त्याच्याकडे परत जायचे आहे आणि हे कार्य या धगधगत्या युगात खूप कठीण झाले आहे। मात्र जर आपण परमेश्वराची खऱ्या मनाने भक्ती केली व त्याच्या इच्छेनुसार जीवन जगलो तर तो इतका प्रेमळ व कृपाळू आहे की फक्त त्याच्या कृपेने व त्याच्या भक्तीने आपल्या संसार रूपी जीवनाचे भय दूर होऊन आपल्याला या जगात आणि त्याही जगात यशस्वी यश मिळेल किंवा आपण यशस्वी होऊ। मेरे अजीज तुलबा और तालिबा, इस अभंग में संत चोखामेळा कहते हैं कि मेरा रब इतना मोहब्बत करने वाला और इतना रहम दिल है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत से ये जो संसार रूपी डर है, संसार रूपी खौफ है, ये दूर हो जाता है। मेरे अजीज तुलबा और तालिबा, मेरे रब ने हमें जो ये जिंदगी दी है ये इम्तिहान की शक्ल में दी है और हमें ये जिंदगी अपने रब की मर्जी के मुताबिक गुजारनी है और फिर वापस उसके और लौट जाना है। इस दौर में अपने रब के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी जो बंदा इस दौर में भी अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो उस बंदे को मेरा रब जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा।